Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पर केंद्रित इतिहास लेखन के बदलते प्रवृत्तियों रुझानों की बात करते आ रहे हैं इस लेक्चर श्रृंखला में और पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जाति व्यवस्था से संबंधित जो इतिहास का विमर्श रहा है भारत में खासकर आधुनिक भारतीय संदर्भों में उसके ऊपर बातें करते आ रहे हैं उसके अलग अलग पहलुओं को उनकी संश्लिष्टताओं को समझने का प्रयास करते आ रहे हैं और इसी कड़ी में हमने 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात की जब औपनिवेशिक राज्य के दखल खासकर सेंसस जनगणनाओं के कारण जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे थे जिस तरह से जातिगत चेतना का विकास हो रहा था उसके ऊपर जो इतिहासकारों ने लिखा है हमारी जानकारियों को हमारे नज़रिए को बेहतर बनाया है उन पेचीदगियों पर हमने बात की इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही खासकर महाराष्ट्र के संदर्भ में जो तब्दीलियां हो रही थी जो इस तरह के सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे उन पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे खासकर हमारा सरोकार होगा कि इस समय जो जातिवाद विरोधी आंदोलन और दलित चेतना का अभ्युदय हो रहा था उसकी बारीकियों को समझा जाए और जैसा कि मैंने अभी कहा हम लोग अपना ध्यान महाराष्ट्र पर विशेष रूप से केंद्रित करेंगे आगे के लेक्चर में हम दक्षिण भारत के ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत खासकर मद्रास प्रेसिडेंसी में जो अब केरल का राज्य है वहाँ जिस प्रकार से दलित चेतना का उदय हो रहा है श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में और फिर पेरियार ई वी रामास्वामी के नेतृत्व में उनकी बात करेंगे लेकिन वो अगले कुछ एपिसोड में आज हम अपना ध्यान महाराष्ट्र पर ही केंद्रित रखेंगे इस इतिहास लेखन की संश्लिष्टताओं को समझने के लिए हमें 1960 के दशक की तरफ वापस मुड़कर जाना होगा और हमने सामाजिक इतिहास से संबंधित अपने लेक्चर में यदि आपको याद दिला दें इस दशक की अहमियत के बारे में हमने बात की थी कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ इशारा यदि मैं करूं और उसके बाद हम महाराष्ट्र की तरफ लौटेंगे तो हम देखते हैं कि 1960 के दशक का उत्तरार्ध सामाजिक इतिहास की तरफ भारतीय इतिहासकारों को भारत के ऊपर जो इतिहास कर रहे इतिहास लेखन कर रहे थे उन इतिहास वेत्ताओं का ध्यान खींच रहा था सामाजिक इतिहास एक नए क्षेत्र के रूप में एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जिसकी ऊपर बहुत कम इस समय से पहले काम हुआ था वह ध्यान आकर्षित कर रहा था और इसके पीछे वैश्विक स्तर पर खासकर इंग्लैंड में जिस तरह से सामाजिक इतिहासकारों ने नई समझ पैदा की थी उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण कारक रहा है लेकिन दूसरी तरफ यह वह समय था 1960 के अंतिम कुछ साल जब नौ साम्राज्यवादी इतिहासकार न, नियो कैम्ब्रिज स्कूल के हिस्टोरियंस जिनके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं उन्होंने क्षेत्रीय इतिहास की अहमियत को हमारे सामने रखा लेकिन उनका जो मुख्य ध्यान था उनके मुख्य सरोकार थे वो राजनीतिक इतिहास की तरफ थे पर क्षेत्रीय इतिहास का जो एक नया आर्काइव उन्नीस सौ के बाद से खुल रहा था वह भी हम जो आगे बात करने जा रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उसकी भी है और इसके साथ साथ एक तरह से इतिहासकारों के बीच यह बहस भी था कि हम किस तरह से राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के पहलुओं को आगे निकलकर सामाजिक संरचना की तरफ भारत के जातिगत जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनकी तरफ और उनकी इतिहास में क्या योगदान है उसके तरफ हमारा रुख होना चाहिए एक छोटा सा ही इतिहासकारों का दल लेकिन ये एक अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश कर रहा था इस समय यह जो इतिहासकारों का दल है यहाँ मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम सामाजिक इतिहास की बात करते हैं खासकर 1960 के दशक के इस फलक की बात करते हैं तो यहाँ डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज जो सीमा रेखा है जो एक विषय को दूसरे विषय से अलग करती है वह बहुत पतली हो जाती है क्रॉस डिसिप्लिनरी संवाद हो रहे हैं खासकर इतिहास सोशियोलॉजी समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी इन तीन के बीच बहुत गहरा संवाद हो रहा है मेथड के स्तर पर सवालों को उठाने के स्तर पर विश्लेषण के स्तर पर तो सामाजिक इतिहास के बारे में जितनी हमारी समझ इतिहासकारों ने विकसित की है उससे कतई कम समझ सोशियोलॉजिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने भी नहीं की है यह हमें ध्यान रखना होगा और इस बाबत हमने पहले चर्चा की है जब हम बर्नार्ड कोहन की बात कर रहे थे और भी हमने इस संबंध में बातें की मैं उन्हें यहाँ दोहराना नहीं चाहता लेकिन इस विषय को एक तरह से पृष्ठभूमि बौद्धिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करने के लिए यह इशारा है इनके साथ ही हमें आगे बढ़ने से पहले यह भी ध्यान रखना होगा कि यह वह समय है जब समाजशास्त्रियों एंथ्रोपोलोजिस्ट और इतिहासकारों के मध्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद के जो सामाजिक स्तर पर प्रभाव हुए उनको लेकर जद्दोजहद शुरू हुई बर्नार्ड कोहन का नाम फिर से जब मैं लेना चाहूँगा जब उन्होंने ग्राम समुदाय की अवधारणा और गांव के स्तर पर हो रहे परिवर्तनों की बेहद आलोचनात्मक तरीके से जांच पड़ताल की और इस सब में 19वीं सदी का उत्तरार्ध एक अहम मोर्ग के रूप में हमारे सामने आता है कैसे आता है हम आगे देखेंगे महाराष्ट्र के संदर्भ में तो ये कुछ मूल बातें थी मूल रुझान थे 1960 के दशक के उत्तरार्ध की तरफ जिनका मैं यहाँ चलते चलते जिक्र करना मुझे लाजमी लगा यह वह दौर है खासकर 1960 के 1965 के बाद से लेकर 1970 के दशक 1980 के आरंभिक सालों में तक ये जो 15-20 साल का दौर रहा यहाँ जातियों और जाति समूहों को लेकर अलग अलग क्षेत्रीय जो मैंने पहले कहा उस पृष्ठभूमि में जातियों को उनके इतिहासों को लेकर इतिहासकारों ने बहुत गहराई से काम किया खासकर आधुनिक औपनिवेशिक संदर्भों में जैसे यदि कुछ उदाहरण लें तो मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो वहाँ यूजेन ईर्सचिक उन्नीस में उन्होंने पॉलिटिक्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ इंडिया द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट एंड तमिल सेपरेटिज्म 1916 से उन्नीस इस शीर्षक से किताब लिखा तो यहाँ उनका मुख्य उद्देश्य जो गैर ब्राह्मण समुदाय जातियाँ थीं उनके प्रतिरोध की राजनीति उनमें किस तरह से सामाजिक चेतना का विकास हो रहा है उसकी बात हमारे सामने आती है बम्बई प्रेसिडेंसी की बात करें जो महाराष्ट्र से सीधा सीधा ताल्लुक़ रखता है आज के समकालीन महाराष्ट्र से तो वहाँ गेल ओमबेट की किताब 1976 में आती है कल्चरल रिवोल्ट इन ए कॉलोनियल सोसाइटी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया 1873 सेवेंटी थ्री टू नाइनटीन 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 1930 के बीच का यह बड़ा फलक इसकी वे विश्लेषण करती हैं तमिल राष्ट्रवाद के संदर्भ में मार्गेट रॉस बार्नेट की किताब 1976 में ही आती है द पॉलिटिक्स ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म इन साउथ इंडिया और इनमें से कई किताबें अधिकांश ये जो काम है ये इन इतिहासकारों के पीएचडी एच शोध का हिस्सा रहा जिस पर वे लंबे समय तक कार्य करती रही तो बहुत गहराई से अनेक अंतर्दृष्टियों से भरा हुआ ये काम हमारे सामने आता है आगरा के जाटवों के संदर्भ में ओवेन लिंच का बहुत मानी हस्तक्षेप रहा जो उन्नीस में आता है द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी सोशल मोबिलिटी एंड सोशल चेंज ऑफ इन ए सिटी ऑफ इंडिया ये जहाँ वे फील्ड वर्क और इतिहास दोनों को जोड़ती हैं और ये बात अन्य जिन कृतियों का मैंने नाम लिया वहाँ भी फील्ड वर्क और इतिहास फील्ड वर्क और आर्काइव दोनों का अद्भुत एक संवाद हम देखते हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में फिर से यदि बात करें तो रोजालिंड ओ हानलोन की किताब उन्नीस में आती है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड आइडियोलॉजी जहां वे महात्मा ज्योतिराव फूले और निम्न जातीय प्रतिरोधों की बात करती हैं लेकिन इस सबके साथ साथ ये जो इतिहासकारों का रुझान था ये महज गैर ब्राह्मण जातियों के ऊपर ही निचले तबके के जातियों के ऊपर ही केंद्रित नहीं था लूसी कैरोल ने उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में कास्त जाति के इतिहास की खोज पड़ताल की गौर के सारस्वत ब्राह्मणों के ऊपर फ्रैंक कॉनलोन का काम है तो क्षेत्रीय फोकस के साथ लेकिन एक अखिल भारतीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जातियों के संदर्भ में उनकी दशा दिशा किस तरह से औपनिवेशिक काल में बदल रही थी इसके तरफ गहराई से खोज पड़ताल की अब देखिए यहाँ एक दूसरे स्तर पर देखें दूसरे तरह की बौद्धिक पृष्ठभूमि देखें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावनाएं सामने आती हैं जिनके साथ ये इतिहासकार सीधे सीधे जूझ रहे थे वे प्रस्तावनाएं क्या हैं जो जाति के ऊपर जो एक बौद्धिक विमर्श था पहले से चला आ रहा था उसके साथ उसके मुख्य प्रस्तावनाओं के साथ ये इतिहासकार सीधे सीधे संवाद कर रहे थे वहाँ दखल वहाँ एक आलोचनात्मक दखल वे दे रहे थे इनमें से कई प्रस्तावनाओं के ऊपर हमने विस्तार से बात की जैसे सोशियोलॉजिस्ट घूरिए का जो जाति संबंधित उनकी प्रस्तावनाएं इसको हमने सेंसस के प्रभाव के विश्लेषण करते हुए उस एपिसोड में इसकी बात की लेकिन उसके साथ एक जब भी हम भारतीय भारत में जाति प्रथा के बौद्धिक विमर्श की बात करते हैं तो एक अहम जो पड़ाव है वो लुई दुमो की किताब जो 1966 में आई होमो होमोहार्किकस द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस वो रहा और इससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जितने भी जाति प्रथा को लेकर काम हुए जितने भी इतिहासकार समाजशास्त्री हुए उन्होंने इससे सीधा संवाद किया लुई डुमो की कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावनाओं की बात करें यदि तो उसमें जाति को एक धार्मिक अवयव के रूप में देखा जा रहा है अर्थात ये जो सामाजिक परिघटना है इसका स्रोत धार्मिक टेक्स्ट और उस धर्म के क्षेत्र में वहाँ स्थापित किया गया लुई दूमो के विचारों की बात कर रहे हैं हम दूसरा कि यह उनके लिए भारतीय समाज की विशिष्टता का मुख्य कारक के रूप में सामने आता है अर्थात जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था रही भारत में जो कि भारतीय समाज को अन्य दूसरे समाजों से अलग करती है तीसरी बात कि उनके विचार दृष्टि में यह भारतीय समाज के ऐतिहासिक जरूरत जड़ता की का मुख्य कारण रहा है अर्थात जाति व्यवस्था में सदियों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ भले ही छोटे मोटे स्तर पर इस संरचना के भीतर गौन अवयवों के रूप में भले ही परिवर्तन को वे स्वीकारते रहे तो भारतीय जड़ता भारतीय समाज की जड़ता के मुख्य अवयव के रूप में लुई और अपरिवर्तनशील भारतीय समाज के मुख्य अवयव के रूप में जाति व्यवस्था को वे देख रहे थे और यहाँ हम जैसा आगे देखेंगे कि इतिहासकारों ने उनके मतों का सीधे सीधे खंडन किया और दिखाया कि किस तरह से 19वीं सदी में खासकर औपनिवेशिक राज्य की उपस्थिति ईसाई मिशनरियों की उपस्थिति ने जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए इसका स्वरूप अनेक तरीके से 19वीं सदी और 20वीं सदी में बदला तीसरा मुख्य रुझान के तौर पर हम मार्क्सवादी इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण को ले सकते हैं जहां एक प्रकार एक बार फिर से हम कहें तो जाति व्यवस्था इसकी असमानताओं को या तो नज़रअंदाज किया जा रहा था या फिर इन्हें वर्गीय असमानता का ही एक दूसरा रूप के रूप में देखा जा रहा था अर्थात जाति का प्रश्न दरअसल इनके लिए वर्गीय के असमानता प्रश्न था इन्हीं के साथ एक और जो महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रहा वह एम एन श्रीनिवास के सांस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण की स्थापनाओं के सहारे हमारे सामने आता है मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि इन सभी बातों पर हमने पहले के एपिसोड में विस्तार से चर्चा की है लेकिन जिस ऐतिहासिक इतिहास लेखन की हम आज बात करने जा रहे हैं वहाँ भी इस बौद्धिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए इनका फिर से उल्लेख कर देना भी जरूरी था तो इन सभी बौद्धिक विमर्शों और इस इतिहास लेखन के मध्य में हम 19वीं सदी को पाते हैं जैसा मैंने अभी जिक्र किया औपनिवेशिक राज्य की उपस्थिति और ईसाई मिशनरी संस्थाओं की उपस्थिति इन दो कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इन मुद्दों को अपने जेहन में रखते हुए हम अब महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं यहाँ खासकर मैं ज्योतिबा फूले और उनके हस्तक्षेप उनकी गतिविधियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं लेकिन यहां मैं उनकी गतिविधियों का वर्णनात्मक परिचय न देते हुए उस उन हस्तक्षेपों को कैसे समझा जाए उनको इतिहासकारों ने कैसे विश्लेषित किया है इस पर हमारा अधिक तवज्जो होगा यह जो एनालिटिकल हिस्ट्री है यह इसकी मैं समझता हूँ बहुत अहमियत है जिस तरफ हमारे जो सुधारती दोस्त हैं उनसे ख़ास मेरी यह अपील है कि वह इतिहास को महज तथ्यों का समुच्चय न देखें उन तथ्यों को किस तरह से इतिहासकार विश्लेषित करते हैं किस तरह से वे नए सवाल हमारे सामने लाते हैं इस तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए हमारा प्रयास होना चाहिए तो ये जो विश्लेषणात्मक जो नज़रिया है वह उसको मैं तरजीह दूंगा यहाँ और उसमें जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ऐतिहासिक कारक हैं उनकी व्याख्या अहमियत रखती है तो ये क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जिसके कारण 19वीं सदी का उत्तरार्ध महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी दलित चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरता है देखिए जब मैं यहाँ एक और बात कहना कर, चाहूँगा शुरू में ही कि दलित शब्द का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यह भी 1970 के दशक के बाद से बौद्धिक विमर्श में चलन में आया तो जरूरी नहीं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध की जब हम बात करें तो वहाँ दलित शब्द हमारे ऐतिहासिक साक्ष्यों में मिले ही लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फलक है तो उन सभी गैर ब्राह्मणवादी जातियों की चेतना को एक मुखर अभिव्यक्ति देने के लिए भी दलित एक समावेशी विश्लेषणात्मक पद है इसमें गैर ब्राह्मण गैर द्विज जो जातियाँ हैं वे भी शामिल हैं साथ साथ समाज के सबसे निचले तबके की जातियाँ जिन्हें अस्पृश्य या अनटचेबल माना जा रहा था माना वे भी शामिल हैं तो या फिर जिसे शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से बाद में के दशकों में जाना जाने लगा वह भी शामिल है लेकिन इस डिस्क्लेमर का एक उद्देश्य यह भी है कि दलित शब्द के उपयोग से यह न समझें कि मैं इन्हें एक मोनोलिथिक ब्लॉक की तरह यहाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ इनके बीच इनके भीतर अनेक अंदरूनी विभेद वेरिएशंस दावे प्रतिदावे भी हम पाते हैं तो जो महाराष्ट्र का फलक है वहाँ हम देखते हैं कि भक्ति की एक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत रही और यह इसलिए भी जरूरी है कि जो समाज सुधारक जिनकी बात हम करने जा रहे हैं ज्योतिबा फुले या अन्य ने भी उन्होंने इस भक्ति की जो विरासत है उससे अनेक तार जोड़े तो ऐतिहासिक रूप से महाराष्ट्र के समाज में भक्ति का जो एक इसेंशियल फीचर समानता का भाव वो हमेशा से मौजूद रहा और ज्योतिबा फुले संत चोखा मेला की बात करते हैं उनके अभंग की बात करते हैं संत चोखा मेला चौदहवीं सदी से ताल्लुक रखते हैं और उनके अभंग बेहद लोकप्रिय हुए और दलित चेतना के लिए एक तरह से वे प्रेरक की भूमिका में आप ऐतिहासिक रूप से आप देख सकते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम जिसकी तरफ इतिहासकारों ने हमारा ध्यान खींचा हुआ है श्री एकनाथ जी महाराज 1533 से 1599 और इतिहासकार एलियनोर्ड जीलियट खास तौर से ने इस भक्ति परंपरा की अहमियत को हमारे सामने बहुत विस्तार से रखा है तो दो अहम मुद्दे यहाँ हमारे सामने आते हैं एक तो ब्राह्मणवाद की आलोचना और दूसरा भक्ति की अंतर्निहित सामाजिक समानता एवं मानवीय मूल्यों पर बल ये कुछ कारक हैं जिसके कारण हम फूले के महात्मा फूले के विचारों में यहां से वे प्रेरणा लेकर एक नए पद की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं वह है मनुष्य की अर्थात मानवीय मूल्यों का जो इसेंस है उसका जो सार है जिसमें हर मनुष्य एक समान है उसकी बात है अन्य कारक में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़े हुए इतिहास के कारण गैर ब्राह्मण जातियों के बीच एक किस्म का एक कॉमन ग्राउंड हम पाते हैं जहां वे अपने अतीत को क्षत्रिय परंपरा के साथ क्षत्रिय बिंबों के साथ संस्कारों के साथ जोड़ते हुए मिलते हैं और यह एक सशक्त क्षत्रिय परंपरा रही जिसका सीधा सीधा ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व से टकराहट रहा तो एक तरह से कह सक कह सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक रूप से 400-500 साल का की जो थाती है उसने एक पृष्ठभूमि का काम किया लेकिन यहां गौरतलब बात यह है कि औपनिवेशिक राज्य की उपस्थिति जिसकी बा मैं बारंबार जिसकी तरफ जिक्र कर रहा हूं उसके कारण गैर ब्राह्मण तबकों से कृषि आधारित जो जातियां थीं वहां से एक तबका एक बड़ा तबका उन कार्यों से अलग होकर राज्य से जुड़े हुए अनेक गतिविधियों में शामिल हो रहा है अर्थात एक तरह से आप कह सकते हैं सर्विस जेंट्री जो नॉन एग्रीकल्चरल नेचर का है वह भी अब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आते आते हम देखेंगे कि एक सब्सटेंटिव रूप से सामने आ रहा है इसे आप कह सकते हैं कि एक तरह का मध्य वर्ग इन जातियों के बीच से आकार ले रहा है यह भौतिक रूप से समृद्ध है इसकी आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर नहीं है लेकिन साथ साथ जहां रिचुअल और सोशल स्टेटस की बात है वहां इन्हें अवमानना और तिरस्कार का सामना दैनिक जीवन में बार बार करना पड़ रहा है तो एक तरह से एक आर्थिक और भौतिक धरातल तथा सामाजिक और रिचुअल धरातल धार्मिक धरातल इनके बीच एक तरह से खाई के रूप में हम पाते हैं 19वीं सदी के उत्तरार्ध के महाराष्ट्र में यहां यह भी जिक्र करना जरूरी है कि इन सामाजिक वर्गों का अपने समाज में अर्थात गैर ब्राह्मण जो समाज का तबका है वहां तो ये सम्मान के पात्र अब हमारे सामने दिखते हैं तो इनका जो एक सोशल स्टैंडिंग है इनका जो स्टेटस है उसमें भी बढ़ोतरी हम यहाँ गैर ब्राह्मण तबकों में हम देखते हैं लेकिन जब भी ब्राह्मणवाद या धार्मिक स्तर पर हम बात करते हैं तो इन्हें इनकी स्थिति दयनीय ही इस समय हम पाते हैं इसी के साथ अंग्रेजी संपर्क के कारण अंग्रेजों के संपर्क के कारण ईसाई मिशनरियों के संपर्क के कारण इन जातियों के बीच शिक्षा का भी प्रसार हो रहा है और शिक्षा की अहमियत को स्वीकारा जा रहा है इस मध्य वर्ग के द्वारा जो अब गांव से बाहर आकर शहरी इलाकों में भी रह रहा है तो ये तमाम जो कारक हैं इन सब ने मिलकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा की जहाँ ये जो समाज सुधार के हस्तक्षेप के की गुंजाइश हमारे सामने मिलती है जैसे ज्योतिबा की के परिवार की तरफ हम देखें वे एक मालिक परिवार से आते हैं उनके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर थी परिवार पुणे के बाहर पुणे के करीब रहा करता था ज्योतिबा फूले की शिक्षा पुणे के सबसे अच्छे ईसाई मिशनरी स्कूल में हुई और इस सब का प्रभाव उनके जो साथियों का जो समूह था उन पर पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा खासकर थॉमस पेन के विचारों का प्रभाव पड़ा तो इन बौद्धिक परिवेश का सीधा सीधा असर हम फूले के गतिविधियों उनके विचारों में पाते हैं यहाँ एक बात और जिक्र कर देना जरूरी है कि 19वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक से ही महाराष्ट्र में अनेक प्रकार के समाज सुधारी सुधारक गतिविधियां हो रहे हैं राष्ट्रवादी विमर्श वहां काफ़ी सशक्त रहा जिसके बारे में हम 18वीं सदी के पर जब बातें कर रहे थे उस लेक्चर की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा तो एक बौद्धिक परिस्थिति भी ऐसी थी जहाँ इनके विचारों को प्रोत्साहन और उनको संरक्षण एक बृहद स्तर पर कहें तो वो भी मिल रहा था और मराठी भाषी मराठी भाषा में सस्ते मूल्य पर प्रिंट साहित्य भी उपलब्ध इस समय हो रहा था तो इस सब परिस्थिति में हम फूले द्वारा ब्राह्मणवाद की आलोचना को बेहतर समझ सकते हैं उनके नाटक तृतीय रत्न तीसरा नेत्र यहाँ उन्होंने ब्राह्मणवाद की कुरीतियों की तरफ इशारा करते हुए माली कुनबी और मांग महार जातियों के आपसी जो कॉमन ग्राउंड हैं आपसी तालमेल आपसी जुड़ाव की तरफ इशारा किया जो अहम बात है ज्योतिबा फुले के राइटिंग्स में वो ये कि वे जैसा मैंने अभी कहा कि भक्ति परंपरा की बात करते हैं जाति प्रथा को लेकर जो मान्यताएं थी प्रचलित मान्यताएं थी जो ऐतिहासिक जो परसेप्शन था उसकी वे पुनर्व्याख्या कुछ इस तरह से हमारे सामने कर लाते हैं कि ब्राह्मणवाद के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे थे वे सिर के बल खड़े हमारे सामने मिलते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि गैर ब्राह्मणवादी जातियों के बीच के तालमेल की अहमियत पर जोर देना इस कारण से जब वे शिवाजी महाराज वरील पोवाड़ा लिखते हैं और पाबदा या पोवाड़ा जो फॉर्म है यह महाराष्ट्र का पारंपरिक एक सांस्कृतिक फॉर्म है जिसका वो सहारा लेते हैं जिससे उनकी बात समाज के हर हिस्से तक पहुँचे और यहाँ वे छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़ी हुई बातों को नए तरीके से पुनर्व्याख्यित कर रहे हैं जिससे कुंबी महार कुंबी माली ये जो जातियों के बीच के जो समीकरण हैं उस पर अधिक बल दिया जा रहा है एक तरह से गैर ब्राह्मणवादी परंपरा को इम्साइज किया जा रहा है जहां इन गैर ब्राह्मणवादी जातियों के क्षत्रिय जो लिनिएज हैं उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है फिर उनका जो महत्वपूर्ण कृति गुलामगिरी जहाँ वे अनटचेबल अस्पृश्यता को दास प्रथा से जोड़ते हैं अलग अलग पुस्तकों और उनकी रचनाओं की व्याख्या करना यहाँ संभव नहीं है लेकिन जिस तरफ मैं यहाँ इशारा कर रहा हूँ दोहराना चाहता हूँ वह है कि इतिहास की एक नई पुनर्व्याख्या इतिहास जो आर्य केंद्रित इतिहास था जहां आर्य इतिहास को तरजीह दी जा रही थी गौरव गौरवान्वित किया जा रहा था उसकी अब एक आलोचनात्मक व्याख्या फुले द्वारा हमारे सामने आती है यहां आर्य एक आक्रमणकर्ता के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिन्होंने आर्यों से पहले के समाज पर अधिपत्य कर और उन तबकों को समाज के अवमाननात्मक स्तरों पर पहुंचा दिया जैसे राजा बलि का मिथक और राजा बलि का काल इस नए विमर्श में एक समृद्ध काल के रूप में देखा जा रहा है या विष्णु के अवतारों की पुनर्व्याख्या फूले कर रहे हैं तो फूले द्वारा इतिहास और ऐतिहासिक बिंबों की इस व्याख्या को हम कैसे समझें दो तरीके से समझा जा सकता है एक तो फूले धार्मिक मान्यताओं की जमीन पर रहकर ही जातिगत पहचान के दावे नए दावे कर रहे हैं उनके कई साथी ईसाई धर्म अपना चुके थे ब्राह्मण धर्म को छोड़कर वैदिक धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को छोड़कर लेकिन ज्योतिबा फूले ने यह रास्ता नहीं अपनाया वे हिंदू धर्म के भीतर ही रहकर जाति को लेकर जिस तरह की को जो मान्यताएं लेजिटिमाइज कर रही थीं उनको नए रूप में परिभाषित किया तो जो जाति को लेजिटिमाइज करने वाली धर्म की जमीन थी उसके भीतर से उनका आलोचना हमें दिखता है और इस आलोचना को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने भक्ति परंपरा के साथ जोड़ा या सांस्कृतिक विरासत सांस्कृतिक गतिविधियों सांस्कृतिक रूपों पावरा जैसे आदि की तरफ अपने विचारों को जोड़ा लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह कि अब जातिगत असमानता का मसला महज सामाजिक मसला न होकर एक राजनीतिक स्वरूप में भी हमारे सामने आने लगा है अर्थात जाति का सवाल महज अलग अलग स्तरों पर जीवित कार्यशील सामाजिक समुदायों के बीच की भिन्नता का सवाल नहीं रह गया भिन्नता के साथ साथ उनके बीच के असमानता का सवाल अब अधिक मुखर रूप से हमारे सामने आने लगा है शोषण का सवाल और यह असमानता यह शोषण का सवाल इसके साथ साथ किस तरह से इस समाज के जो शोषक समूह हैं जिसकी पहचान फूले ब्राह्मणों के रूप में कर रहे हैं ब्राह्मणवाद के रूप में कर रहे हैं उसके खिलाफ किस तरह से अन्य जातियां संगठनात्मक तैयारी करें संगठन आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से संवाद करें इस तरफ इशारा किया जा रहा है चाहे यह अतीत को पुनर्व्याख्यित व्याख्या करते हुए धार्मिकता को नए तरह से देखने का सवाल है या फिर गैर ब्राह्मणवादी जातियों की चेतना का सवाल है इन दोनों ही स्तर पर हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से इनके दूरगामी प्रभाव हुए महाराष्ट्र में खास तौर से हम देखेंगे कि किस तरह से जब बीसवीं सदी के दूसरे और तीसरे दशकों में जब बाबा साहब अंबेडकर अपने विचारों के साथ अपने तर्कों के साथ दलित इतिहास को दलितों के जीवन को नया रूप देने में लगे थे वे भी महात्मा ज्योतिबा फूले उनके सत्यशोधक समाज उनके विचारों से अपने को सीधे सीधे जोड़ते हुए हमें मिलते हैं लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि 19वीं सदी के उत्तरार्थ का यह दशक इसी रूप में आने आगे आने वाले 40-50 सालों में अपनी निरंतरता में हमारे सामने मिलता है इसमें कई बदलाव आए अनेक पेचीदगियाँ हैं जिसके ऊपर हम अगले लेक्चर में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे साथ ही यहाँ मैं चलते चलते इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि ईसाई मिशनरियों के संपर्क के कारण पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण भी महात्मा फुले का ध्यान महिलाओं के शिक्षा की अहमियत की तरफ गया तृतीय नेत्र तृतीय रतन तृतीय नेत्र तीसरी आँख जो नाटक का मैंने जिक्र किया जो उन्होंने लिखा वहाँ भी और बाद के लेखनी में भी वे इम्पसाइज करते हैं कि किस तरह से वर्चस्ववादी ब्राह्मणवादी विचारधारा दलित महिलाओं के माध्यम से उनके द्वारा इंटरनला इंटरनलाइज आत्मसातीकरण किए हुए विचारों के द्वारा उनका प्रचार प्रसार होता था इसीलिए उनका मानना था कि यदि दलितों को आगे आना है उनकी सामाजिक अवस्था में सुधार होना होगा तो महिलाओं की शिक्षा उसका एक अहम साधन होना चाहिए इस ओर सावित्रीबाई फुले फूले के कार्य ऐतिहासिक रूप से मानिकेज हैं जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे साथ ही फूले के अनेक गतिविधियों चाहे वे भ्रूण हत्या के खिलाफ उन उनका हस्तक्षेप हो उच्च जाति की महिलाओं के त्यक्त बच्चों के परवरिश के लिए उनकी जद्दोजहद हो यह सभी उन्हें एक युग पुरुष के रूप में हमारे सामने स्थापित करते हैं और दलित चेतना के इतिहास में तो निसंदेह उनका उनकी भूमिका अतुलनीय रही है जैसा कि मैंने कहा कि इस चर्चा को आगे जारी रखते हुए हम अगले लेक्चर में महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पर किस तरह से 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में दलित चेतना या ब्राह्मणवादी विमर्श ब्राह्मणवादी जाति प्रथा के विरोध का इतिहास क्या रहा वह क्या स्वरूप अख्तियार करता रहा उसका विश्लेषण हम करेंगे तब तक के लिए नमस्कार